हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको जानकारी देना चाहता हूं, अपडेट देना चाहता हूं और साथ ही साथ में आपको सतर्क भी करना चाहता हूं, अवेयर भी करना चाहता हूं कि आपको पता ही होगा कि कल जो मनी कंट्रोल पर जो एक न्यूज़ निकल कर आई, इंडियन जो न्यूज़ चैनल है मनी कंट्रोल, तो वहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई इंडिया टू बैन ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी। तो उसके बारे में आपसे बात करूँगा और आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा ताकि आपके अंदर अगर पैनिक क्रिएट हुआ तो वो हट जाए। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल टेक हेल्प इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइएगा। तो सिंपली मैं चलता हूँ उस न्यूज़ पर, तो आप देख सकते हैं ये 5 अगस्त की न्यूज़ है, 1:06 की। तो इंडिया टू बैन ट्रेड इन क्रिप्टोकरेंसी, इस प्रकार गवर्नमेंट वर्किंग ऑन ए लॉ, तो ये खबर दी गई है। ऑलरेडी पहले 2018 में इससे रिलेटेड बैन लगाया गया था बैंक से लेकर, और काफ़ी सारे रेगुलेशन की बात हुई थी, और साथ में आपको याद होगा कि बैंकिंग बैन लगा दिया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। और अभी अभी 2020 में मार्च के अंदर ये बैन हटा दिया गया है, बैंकिंग बैन हटा दिया है रिजर्व बैंक ने जो लगा रखा था। तो कोर्ट की तरफ से इसमें 2 साल हमारा केस चला था अभी, देखिए, पर वो मामला था सिर्फ RBI का बैंक को रिस्ट्रिक्शन को लेकर, पर इसकी जो लॉ की बात है वो पूरे क्रिप्टो के ऊपर लॉ की बात चल रही है। तो मैं इसकी आपको डायरेक्ट सबसे बेस्ट जो इससे रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं, मैं सीधा उनके पास लेकर चलता हूं आपको। जी हाँ जी, क्रिप्टो कानून आप जानते होंगे, क्रिप्टो करेंसी के कानून से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड इनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। तो क्रिप्टो कानून करके इनका चैनल है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। तो इनके ट्विटर पेज पे इन्होंने वीडियो डाली है, तो इसको देख लीजिए। moneycontrol.com के आर्टिकल को पढ़ के कुछ घबराहट हो रही है होनी ही चाहिए। मेनस्ट्रीम मीडिया का काम यही होता है कि जो आर्टिकल को इस तरीके से उसकी हेडलाइंस को देना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक और घबराहट हो। वेल, आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है। अगर आप देखो तो क्रिप्टो कानून ने अपने एक RTI डाली थी जिसको ट्विटर हैंडल उसने बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ये कन्फर्म कर दिया है कि जो कैबिनेट नोट है वो डेफिनेटली फॉरवर्ड हुआ है इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के लिए। कैबिनेट नोट क्या होता है? एक तरीके का प्रपोजल होता है जिसके अंदर प्रपोजल होता है कि हमें जैसे क्रिप्टो करेंसी जो ट्रिक ग्रो कर रही है इसको हम किस तरीके से हम इसको बैन करना है, रेगुलेट करना है, एक तरीके का प्रपोजल है। वो किसी ना किसी कमेटी की एक रिसर्च पे बेस्ड होता है। तो उसका बेसिस क्या है? वो SC करके जो रिपोर्ट थी 2019 February में जो प्रपोजल था, जो बिल सबमिट हुआ था, उसी के बेसिस पे जो है ये कैबिनेट नोट फॉरवर्ड हुआ है। अब ये बेसिकली जो मिनिस्टर्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, वो कंसल्ट करेंगे अपने डिपार्टमेंट में अपने लोगों को बिठा के कि क्या ये जो बिल है, प्रपोज्ड कानून है, क्या ये इन्फोर्स भी हो सकता है कि नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, वो इन्फोर्समेंट ऑफ जो बिल है, जो कानून इन्फोर्स भी हो सकता है कि नहीं, तो वो उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद अपनी राय जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिटर्न में सबमिट करेंगे। अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा कि ओके, ये इसको एक्सेप्ट करना है वैसे का वैसे ही, या इसके अंदर फिर से कोई कंसल्टेशन या डेलिब्रेशन चाहते हैं कि नहीं, या उसके ऊपर वो बिल के ऊपर बैठ ही जाए काफी लंबे समय तक कि ये इसके भी चांसेस है। खैर, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कंसल्टेशन आ गई, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो फॉरवर्ड कर दी कैबिनेट अप्रूवल के लिए, और कैबिनेट अप्रूवल के बाद वो पार्लियामेंट के अंदर वो बिल प्रेजेंट होगा। इस आर्टिकल से एक चीज तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं सरकार ऑर्डिनेंस लाने के मूड में नहीं लग रही है। अगर इसको अगर लाएगी तो वो बिल के फॉर्म में लाना चाह रही है और पार्लियामेंट के थ्रू ही पास कराएगी। अब इसमें आपको पैनिक होना चाहिए कि नहीं? फिलहाल तो कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं, क्योंकि आर्टिकल ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बैन हो रही है, और आर्टिकल तो कह रहा है और प्रपोजल भी फॉरवर्ड हुआ है, कैबिनेट नोट भी फॉरवर्ड हुआ है, तो अभी फिलहाल पैनिक करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, सतर्क रहने की जरूरत जरूर है, अपडेट रहने की जरूरत है, और आप कौन से सोर्स से अपने आप को अपडेट रखते हो ये बहुत जरूरी है। सही इंफॉर्मेशन रखना आपके लिए जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आपने सारी खबर सुन ली होगी जो इन्होंने बताया है, बाकी आप इतने बड़े नोट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट उन्हीं के पास उन्हीं के वीडियो को जरूर दिखाने की कोशिश की ताकि आप लोग इसको देख सके और समझ सके कि अभी ये पैनिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल को पास होने में टाइम भी लग सकता है और काफ़ी जगह से इसको मंजूरी मिलनी होती है, पास होना होता है, तो क्या आपता ये बैन भी हो सकता है, क्या आपता इसे इसके अंदर कुछ और भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो इसमें टाइम भी लग सकता है, तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सतर्क रहने की जरूरत है कि कभी कुछ ऐसा होता तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जरूरत। बाकी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और तो मैं फिर लेकर आऊँगा नई वीडियो, नई जानकारी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।